देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट है या सीमन का, ठीक ना। तो एक पेशेंट आया था, तो उसका जो है कि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसका बच्चा जो है पैदा नहीं हो रहा है, उसका सीमन में जो है कि मतलब फाल्ट है, डॉक्टर्स कह रहे थे। तो वो हमारे पास आया, तो हमने जो है कि उसका सीमन टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो देखिए सीमन टेस्ट कराने से पहले जो है कि 5 से 6 दिन का गैप होना चाहिए, यानी कि उसके पहले जो है कि सीमन डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि 5 से 6 दिन तक जो है कि आपको रोक कर रखना है, उसके बाद ही आपको टेस्ट में देना है। तो जब टेस्ट में देंगे तो आपका जो है किसी तरह जो है कि लिया जाएगा, और कम से कम 15 मिनट में लैब में पहुंच जाना चाहिए, 10 मिनट में लैब में पहुंच जाना चाहिए, ताकि तुरंत जल्दी से टेस्ट हो जाए। वरना जो है उसमें को जो स्पर्म होते हैं वह धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, तो आपकी रीडिंग जो है कि गड़बड़ा सकती है। मामला यही है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए पेशेंट का नाम देख लीजिए और उसकी उम्र देख लीजिए, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। और जो है कि देखिए सबसे पहले जाते हैं सीमन एनालिसिस, यानी कि पहले फिजिकल में देख लेते हैं, फिजिकल में क्या क्या देखा जाता है, ठीक ना। तो फिजिकल में देखिए वैल्यू कितना है इनका, 0.8 ml, यानी कि मान चलिए कि 1 ml में जो है लगभग में है, ठीक ना। तो इसका कम से कम रहना चाहिए 2 से 5 ml के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ तक मैं यानी कि सीमन क्वांटिटी जो है वैल्यू है कम है। अब इसका विज क्वांटिटी क्या है, नॉर्मल है, ठीक ना, ये आप नॉर्मल देख रहे हैं। और उसका कलर क्या है, उसका कलर वाइटिश है, यानी कि सफ़ेद है, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं उसका कलर सफ़ेद है, तो यहाँ तक तो सही है। उसका रिएक्शन यानी कि एल्कलीन है, ठीक ना, यानी कि इसका pH जो है कि ये मान के चलिए 7 से ऊपर है, ठीक ना, ये मान के चलिए यहाँ तक नॉर्मल है। अब आ जाइए माइक्रोस्कोपिंग में, ये माइक्रोस्कोपिंग जो है इसमें आ जाइए। इसमें जो है कि आपका टोटल काउंट यानी कि हमारा 85 मिलियन पर ml है, यानी कि ये तो नॉर्मल है। आप लोग देख सकते हैं कि 60 से 150 के बीच में होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, 60 से 150 के बीच में होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब नीचे आइए तो ये टोटल दिखा रहा है, मतलब आपका जो स्पर्म है वो टोटल दिखाया है कि 85 मिलियन मतलब टोटल मिले हैं, मरे और जिंदे सब मिलाकर जो है टोटल मिले हैं आपका इतना। अब इसमें जो है कि पेशेंट जो है कि लैब में अपना सैंपल दिया है कम से कम 50 मिनट, ठीक ना। तो इनको देना चाहिए 15 मिनट, 10 मिनट बहुत काफ़ी है। तो पेशेंट लेट कर दिया यानी कि लैब में पहुँचने से पहले, तो इसमें रिपोर्ट में आ गया है। अब जो है कि ये लिखा है नॉर्मल मोर्टैलिटी यानी कि 50% है, यानी कि नॉर्मल 50% स्पर्म जिंदे हैं। और स्ट्रगली मोटाइल कितना है, 15%, यानी कि जो है कि आधा मरा है आधा जिंदे हैं, यानी कि थोड़ा मोड़ा उसमें जान है स्पर्म में, 15% है। और नॉन मोटाइल यानी कि डेड, यानी कि मृत कितना इनका है, 35%, यानी कि 35% स्पर्म जो है कि मर चुके हैं। टोटल आपका जो है कि जोड़ने पर आ गया आपका 100%। तो इस तरह जो है कि आप मिला सकते हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं नॉर्मल कम से कम होना चाहिए आपका 85% होना चाहिए, ठीक ना। नॉर्मल मोर्टैलिटी जो है 85% होना चाहिए, इस तरह जो है कि होना चाहिए। अब नीचे आइए मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि नॉर्मल फार्म यानी कि ये जो है कि 60% है, ठीक ना। अब लिखा है एब नॉर्मल एंड इमेच्योर फार्म यानी कि 40% है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी मतलब जो मतलब नॉर्मल हो गए हैं, जिसकी मतलब स्पर्म की साइज है वो बता रहा है, ठीक ना, 60% है। जो अभी बच्चे हैं स्पर्म वो 40% है, ये बता रहा है, इसका मतलब ये है। अब नीचे आइए अदर्स में, यानी कि पस सेल कितना मिला है हमारा, 3 से 5 in HP अब यानी कि हाई पावर फील्ड में जो है कि देखा गया है, तो कितना मिला है, 3 से 5 मिला है, यानी कि यह बढ़ गया है, कम से कम 0 से 1-2 होना चाहिए, ठीक ना। तो यानी कि इसमें मवाज है यानी कि पस मिला है, ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं। और जो है कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC कितना दिखा गया, नील है, यानी कि यहाँ तक सही है। देखिए जहाँ सीमन बन रहा है जिसे अंडकोश में, तो उसमें मतलब ब्लड का आना सही नहीं है ना, तो देखिए ब्लड नहीं है, यहाँ तक सही है। अब इपिथेलियल सेल्स कितना है, नील है, चलिए ये भी एक तरह से मवाजे है इपिथेलियल सेल, तो ये भी नील है, अच्छी बात है। तो इनका जो है कि पस यानी कि 3 से 5 दिखा, यही दिक्कत है। तो यानी कि इसमें जो है कि थोड़ा सीमन में थोड़ा फाल्ट है हल्का फुल्का,
तो डॉक्टर्स जो है कि अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग रिपोर्ट को देख लिए हैं, इसी तरह जो है मिलाया जाता है। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।